क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। हाथ लगाने पे तुमने मुझे इतना गुस्सा किया, बात क्या है? एयरपोर्ट पर एक प्रॉब्लम हो गया था। एयरपोर्ट पे तो प्रॉब्लम होती ही रहती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? एक बंदा था जो मिसबिहेव कर रहा था। जब तक घूर रहा था मुझे, तब तक मैं उसे इग्नोर करती रही, लेकिन पता नहीं अचानक कहां से आया और पीछे से छुआ मुझे। बस इतनी सी बात हुई? हाँ? तुम इतनी खूबसूरत जो किसी की भी नियत फिसल सकती है, उसका देखना जायज था, गलती से मिस्टेक हो जाती है, इट्स ओके, इट डजंट मैटर, यू नो। अरे कैसे बॉयफ्रेंड हो यार, तुम्हें फर्क नहीं पड़ा? छोड़ो ना, मैं कह रही हूँ उसने छुआ मुझे, छोटी सी बात है, इट्स ओके। इट्स ओके कह रहे हो? मतलब कोई भी ऐरा गैरा आए और मुझे छूकर चला जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, खूबसूरत हो, झेलना तो पड़ेगा। अरे ये क्या मतलब? देखो देखो, एक मिनट, देखो देखो उसे, देखो, रुको रुको रुको, मुझे लगता है ये वही है। अरे पायलट को प्लेन उड़ाने दे, हमारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चल, ऐश कराएंगे। अब बोलो, अभी कुछ नहीं बोलना है ना? हाँ, बैठे रहो, कुछ भी मत कहो उनसे। आ जाना। मलिक संभाल के। क्या करो, पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को लॉन्ग ड्राइव का शौक है और मैं आसमान में उड़ान भरता हूं। अबे ओ, एयरपोर्ट में एक लड़की देखना वहां तक ठीक है, देखने के बाद उसे छूने की जरूरत करना वो तेरी पहली गलती है, उसके बाद उसी लड़की को बार बार छूने की कोशिश करना ये तेरी दूसरी गलती है, इसीलिए तेरी धुलाई करनी पड़ी। अब एक बात समझ ले तू, एक लड़की को छूने से पहले उसके दिल को छूना जरूरी है, और उसी तरह एक औरत एक मर्द को खुश रखना चाहे तो उसको समझना जरूरी है। अब पराई औरत क्या तू अपनी बीवी तक को हाथ नहीं लगाएगा?
तीन दिन पहले जो 8 साल की बच्ची लापता हुई थी उसकी लाश पंत नगर इलाके के एपी कंस्ट्रक्शन साइट में मिली है। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच चुकी है और उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बताया जा रहा है कि बच्ची का नाम मधुरिमा शेखर है। इस केस की जिम्मेदारी विक्रम गायतोंडे को सौंप दी गई है। इस घटना ने शहर का दिल दहला दिया है। मरी हुई बच्ची के माँ बाप उसे प्यार से मधु के नाम से बुलाते थे। लगातार 3 दिनों से इन्वेस्टिगेशन मधु। शहर में एक और बच्ची की मौत। हर रोज दूध का पैकेट और न्यूज़पेपर मुझे ही उठाना पड़ता है। ओहो। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? सोप का झाग है। इतने सारे कपड़े धोने के बाद चेहरे पे झाग ना लगे तो बताओ क्या मतलब ये काम करके? पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। ये देख लीजिए, कपड़े धोने के साथ साथ मुझे ये सब बर्तन भी धोने पड़ रहे हैं। सफाई करने के बाद अगर मैं बेड कॉफी नहीं दूं तो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी। देखा करण अंकल, बिना मतलब मुझे इस घर में कितना टॉर्चर किया जाता है। आपको दिखाने के लिए ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इसे देखने के बाद आपके शो में मुझे इनवाइट कीजिए। तब तक मैं आपके कॉल का इंतजार करूँगी। अब मैं चुप नहीं रहने वाली। अब मैं अपनी पावर दिखाने वाली हूँ। हे ऊपर वाले, मुझे शक्ति दे। आयशु, हाँ? मम्मा क्या कर रहे हो? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। देवी। बच्ची का नाम? देवी सर। उम्र? 8 साल। स्कूल कौन सा है? ग्लोबल मैट्रिक्स स्कूल, दूसरी कक्षा। क्लास में कहाँ देखा उसे? सर वो बच्चों के साथ बाहर खेल रही थी। 5 मिनट के बाद यहाँ पर क्यों बिठा के रखा है? जल्दी लॉकअप में डाल। कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? रिंग टोन चेंज कीजिए सर, बहुत गड़बड़ हो रही है। तो बैठ के अपना काम कर। प्रभाकर, इनका क्या केस है? बच्ची का मिसिंग केस है सर। सर, मेरी बेटी घर के बाहर खेल रही थी सर, उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए सर। रोना बंद कीजिए मैडम, आपको बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था। अब रोने से क्या फायदा, आप ही बताइए। हर एक बच्चे का ध्यान रखने के लिए उतनी पुलिस फोर्स है क्या हमारे पास? रोना बंद कीजिए मैडम, मैं देखता हूँ। अरे प्रभाकर। हाँ सर। बच्चे की सारी डिटेल्स ले ली ना? ले ली है सर। कंट्रोल रूम को मैसेज पास करो। ओके सर। और ड्राइवर, सर गाड़ी निकाल। ठीक है सर। चलिए सर, चलते हैं।
गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग। सीबीआई के हाथ में केस देते ही एक और मर्डर हो गया सर। नए एसीपी कुछ कर पाएंगे क्या? क्राइम ब्रांच वाले ही सॉल्व कर देते। क्या करें, पब्लिक भड़क गई इसलिए सीबीआई को देना पड़ा ये केस। अब जो करना है वही करेंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग सर। बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हो गया क्या? पेरेंट्स के पास आदमी भेजा है सर। पब्लिक को यहां से दूर रखना सर। सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद ही मीडिया कॉल आउट करना। ठीक है सर। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज। 2 महीने के अंदर 2 बच्चों के यौन शोषण और मर्डर केसेस की वजह से शहर में डर का माहौल पैदा हो गया है। पिछले महीने की 17 तारीख को लापता हुई बच्ची मधु की लाश शहर के बाहर एक पुरानी इमारत के पास मिली। पिछले महीने 8 साल की बच्ची देवी का भी इसी तरह मर्डर किया गया था। स्कूल का टाइम हो रहा है। उसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। सूत्रों के अनुसार मधु का मर्डर 3 दिन पहले हुआ था। खूनी ने खून करने के बाद उसकी लाश को पुरानी इमारत के पास फेंक दिया था। नए असिस्टेंट कमिश्नर विक्रम गायतोंडे ने हमें ये भी बताया कि आने का टाइम हो रहा है। क्या कुछ भी देखती रहती हो। चलो 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 आओ जल्दी जल्दी। 3 दिन पहले एक छोटी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। आज सुबह प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेलते हुए बच्चों ने एक छोटी बच्ची की लाश देखी और हमें तुरंत इन्फॉर्म किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है कि जो लाश यहाँ मिली है वो उसी खोई हुई बच्ची की हो। वेरिफिकेशन हो जाए तो कन्फर्म करेंगे। बेटा रेडी? हाँ। चलो लेट्स गो। ओके कम ऑन। मम्मा इस सैटरडे स्कूल और ट्यूशन दोनों बंद है। आपने बोला था ना कि आप मुझे घुमाने ले चलोगे, याद है कि नहीं? याद है मुझे, हम जरूर जाएंगे। ओके बाय। मम्मा आप कुछ भूल गए। सॉरी। मैं इसके बारे में नहीं बोल रही थी। लंच बॉक्स पैक कर दिया, स्कूल बैग भी दे दिया है, और क्या होगा? सब चीजें मुझे मांगनी पड़ रही हैं। लव यू बेटा। टिफिन फिनिश करना okay. और किसी से लड़ना नहीं। ओके बाय। लव यू बेटा। लव यू टू। चल गाड़ी निकाल। हाँ हाँ चलो। बाय बाय बाय। बेरहमी से मारी गई है। मेरी भी 2 बच्चियां हैं। बच्ची को सेडेटिव देने के बाद उस पर जबरदस्ती की गई है। बेचारी बच्ची की बॉडी पर कट मार्क्स और बाइट मार्क्स हैं। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। बाइट मार्क्स के फोटोग्राफ्स रिपोर्ट में डाल दिए हैं। लगता है खूनी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सीमेंट ट्रेसेस बॉडी पर कहीं नहीं छोड़े गए। क्या वो डॉक्टर हो सकता है? हो सकता है। बॉडी पर फिंगरप्रिंट्स ब्लड मार्क्स के कोई निशान नहीं है। डीएनए ट्रेस ना हो पाए इसलिए उसने पूरी बॉडी को केमिकल से धोकर साफ किया है। उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। बच्ची को उस खूनी ने ना ही खाना दिया और ना ही पानी। क्या बच्ची की मौत का कारण सिर्फ यौन शोषण है? नहीं, गले पर एक शार्प ऑब्जेक्ट से अटैक किया गया है। बहुत ही बेरहमी से मारा है इसे। तो इस बात से जाहिर होता है कि दोनों मर्डर्स के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। Animals are lion, tiger. Domestic animals are dog, cat. Wild animals make bear. Let the handler's blade switch weapon. Now touch the target to zip.
तो एयर होस्टेस होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पैसेंजर्स की जरूरतों का भी ध्यान रखें और सुरक्षा का भी। तो आप ये कैसे, एक मिनट हाँ, एक सेकेंड। हेलो हेलो, मैं आपकी बेटी के स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। स्कूल के रूल्स के मुताबिक क्या आप जानती नहीं कि स्कूल में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला उसने बैग में कब रख लिया। दोबारा ऐसा नहीं होगा सर। आगे से ध्यान रखिएगा प्लीज। श्योर। ओके ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग दामू। हाँ बोलिए। फोन अपने पास रख लेना, ऐश्वर्या ने मांगा तो उसके हाथ में मत देना, फोन उसकी मम्मी के हाथ में ही देना, समझ गए तुम? संभाल कर रखो। समझ गया मैडम। विक्रम सर, मार्च 15 को हमें खबर मिली कि 8 साल की बच्ची मधु अपने घर के बाहर खेलते वक्त अगवा कर दी गई। उसके माँ बाप ने करीब 7:30 बजे के लगभग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। छानबीन में हमें पता चला है सर, किसी ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया है। एक महीने के बाद मार्च 19 को मधु की लाश पंत नगर में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके बगल वाले मैदान में हमें उस बच्ची की लाश मिली है सर। पहले बदतमीजी फिर मर्डर, बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट इस फाइल में है सर। किडनैपिंग की साइट पर एविडेंस के तौर पर हमें सिर्फ ये लॉलीपॉप मिला है सर। पहले तो हमने उस लॉलीपॉप को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया सर। फिर कुछ दिनों के बाद हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में हमें ये भी जानकारी मिली कि उस लॉलीपॉप के अंदर हेरोइन मिली हुई थी। ऐसा लगता है कि बच्चों की किडनैपिंग के लिए यही मॉडस ऑपरेंडी पहले से यूज करता आ रहा है। एलेक्स। जी सर। वो देवी केस तुम ही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना? हाँ सर। उसमें कुछ लीड मिली? कोई एविडेंस नहीं मिला सर। वो 10 साल से छोटे बच्चों पर नजर रखता है सर, उनको फॉलो करता है। अगवा करने के बाद 2-3 दिन तक उन्हें टॉर्चर करता है, फिर दरिंदगी से कत्ल कर देता है। एक हफ्ते के अंदर इस दरिंदे को पकड़ना होगा। उसे नंगा करके घसीटते हुए लेके आएंगे। हम पुलिस वालों को उसने समझ कर रखा है। ए, क्या कर रहे हैं बे? अबे ओए, गाड़ी का एक्सल टूट गया है। पिछले महीने ही तो नया एक्सल का पैसा लिया था हमने, उसमें से 7,000 रुपए तुमने ही उड़ा दिए। अब बताओ कि बचा क्या है? चल उतर जल्दी से। ए छोटी, बस बंद पड़ गई है, मैं तुझे चल के घर छोड़ दूँ, नजदीक ही है। ओके। ए छोटी, चाहिए तो मैं बैग उठा लेता हूँ। नहीं ठीक है। तू बोले तो बैग के साथ तुझे भी उठा लेता हूँ। अंकल, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे चलना आता है। अब फोन दो ना मेरा। वो मैं तेरी मम्मी को ही दूंगा, चलो। हेलो, हम सिर्फ दिखा सकते हैं, उसी के लिए पैसा लिया है, उठाने का काम तुम जानो। चल छोटी। अंकल मैं चली जाऊंगी। घर का रास्ता पता है? चल ठीक है, जा फिर। मेरा फोन तो दो। ये ले बाबा। सर, साइबर हैकर्स आए हैं। सर, रत्नेश सर। हाय। हमें सीसीटीवी कैमरा के कुछ हार्ड डिस्क मिले हैं। ओके। उनसे डेटा निकालने के लिए आपकी मदद चाहिए। श्योर सर। गो अहेड। थैंक यू सर। आयशु, आयशु,
वॉचमैन, वॉचमैन, आपने आयशू को देखा क्या? मैं काफी टाइम से यहीं पर हूँ, मैंने तो नहीं देखा। अब तक स्कूल वैन भी नहीं आई है। आपकी बेटी का ही लास्ट ड्रॉप था मैडम, तुमने उससे पहले उतरने वाले बच्चे से पूछा? कॉल किया था सर, स्टूडेंट का नाम मुन्ना है, उस वक्त ऐश्वर्या वहाँ बस में ही थी। आपने अपने पड़ोसियों से पूछताछ की? पहले उन्हीं से बात की सर, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं जानते और सोसाइटी के वॉचमैन ने कहा कि ड्रॉप करने के लिए स्कूल बस भी नहीं आई। बाकी सब स्कूल बस वापस आ गए सर, बस यही वाला नहीं लौटा, बस के ड्राइवर का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ड्राइवर का घर पता है? हाँ पता है सर। बहन जी यहाँ दामोदर कहाँ रहता है? ऊपर ही रहता है, दूसरे माले पे। चल, चल, चल। किसी के आने से पहले पैसे लेके निकल जाते हैं, चल। अरे तो लॉक्ड है। लॉक्ड है। बहन जी ड्राइवर दामू को देखा? घर पे तो ताला लगा है। पता नहीं क्या हुआ, अचानक अपने गांव चला गया। गांव में मेरी दादी मर गई है, उसका क्रियाकर्म करने जाना है, इसीलिए भागना पड़ रहा है। हेलो, कुछ तो गड़बड़ है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कुर्सी तो न। जब आपने बच्ची के पास से फोन लिया था तब उसका मूड कैसा था? मेरा पूछने का मतलब है वो गुस्से में या अपसेट थी? ऐसा कुछ भी नहीं था सर। करण आप कहाँ हैं? तुरंत मादा स्कूल जाइए, वहां से सीसीटीवी फुटेज लेकर जल्दी स्टेशन आइए। आपके घर में सीसीटीवी है? है ना सर। ओके, आपके घर चलते हैं। चलिए। मैथ्यू, तुम बहुत दिनों से
जिस अनोखे ड्रग की तलाश कर रहे थे वो आ गया है। बहुत महंगा है और बहुत डिमांड में भी है ब्रो। अगर इंटरेस्ट है तो कॉल करो मुझे। क्या हुआ? आपने अपना रूट क्यों बदला? आप यहाँ क्यों आई? हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे फोन आया। हेलो, सुनो मेरी बात। मुझे पता है पुलिस तुम्हारे साथ पीछे पीछे चल रही है। बिना वजह अपनी बच्ची की जान जोखिम में मत डालो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। श्यामगढ़ के बगल वाले शमशान घाट के पास मेरे इंतजार करो। सर, 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 मैं आ रही हूं। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। क्या? मुझे अपना फोन दीजिए। एलेक्स, सर, पता करो यहाँ कौन पेट्रोलिंग कर रहा है, उसे आने के लिए कहो। लोग यहाँ पेट्रोलिंग कब से कर रहे हो? 45 मिनट से। 45 मिनट सर। किसी को देखा तुमने? नहीं सर, नहीं सर, भी नहीं। पक्का? हाँ हाँ सर। मैं हमेशा घर की चाबी दरवाजे के पास एक गमले में रखती हूँ सर। मैंने एक फोन नंबर शेयर किया है, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। 15 मिनट पहले पेट्रोलिंग खत्म हो गई थी सर, यहाँ उन्होंने किसी को नहीं देखा। वो हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। आप अपनी गाड़ी निकालिए, पहले घर चलते हैं। इस सीसीटीवी का हार्ड डिस्क कहाँ है? सर, मशीन के अंदर हार्ड डिस्क ही नहीं है। एक एक करके सब अंदर आ जाओ। हाँ सर। तुम एक काम करो, सीधा कंट्रोल रूम जाओ और इस एरिया के ट्रैफिक सिग्नल्स के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो और पता लगाओ कि स्कूल वैन किस डायरेक्शन में गई, और जानकारी मिलते ही मुझे कॉल करो। ओके सर। एलेक्स सर,
इस घर के आसपास जितने भी दूसरे घर हैं या दुकानें हैं जिनमें सीसीटीवी लगे हुए हैं, देखो उनसे कोई जानकारी मिलती है तो मुझे फोन करो। ठीक है सर। आपके घर में और कौन कौन है? एलेक्स कहां पर? सर भाई और सर चलो। अशु 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 नंदनी इनको संभालो जरा। ठीक है सर। मैडम संभालो। सर उसने शहर के पूरे सीसीटीवी नेटवर्क को हैक किया है सर। व्हाट? डिपार्टमेंट के सिस्टम को हैक किया उसने, कितनी शर्म की बात है। मीडिया को खबर लगे इससे पहले इसका तोड़ निकालो। ओके सर। जल्दी हो जाएगा सर। एलेक्स सर दोनों ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों ही मर्डर्स एक ही आदमी ने किए, पर इस लड़की की किडनैपिंग में दो लोगों का हाथ है, एक वो वैन ड्राइवर और दूसरा अटेंडेंट। उसी ने इस घर का, इस एरिया का पूरा सीसीटीवी नेटवर्क हैक किया है, और उससे भी हैरानी की बात उसने पूरे शहर का नेटवर्क हैक कर लिया। ये कैसे मुमकिन है? आपको क्या लगता है ये किसी गिरोह का काम हो सकता है सर? पुलिस को अलर्ट कर दो कि शहर की सारी गाड़ियों की जांच करें। यस सर। आयशु की तस्वीर को सब जगह फ्लैश कर दो। ओके सर। और पुराने चाइल्ड अब्यूज केसेस की फाइल्स निकालो, और उसमें जितने भी अक्यूज्ड हैं उनकी फिर से जांच करो। जी सर। हमें यह भी जानकारी मिली कि उस लॉलीपॉप के अंदर हेरोइन मिली हुई थी। सर, सर। आपका फोन मुझे दीजिए। सर सर वो मैंने इंक्वायरी की, आज शाम से ही वो दोनों लापता है सर। पास वाले मैकेनिक से भी पूछा। ओए सुन। जी साहब। वो दोनों अनाथ है सर। वो दोनों एक ही गांव से हैं साहब, कई सालों से यहाँ पर मेरे साथ काम कर रहे थे। उसके बाद जब हमने उसका कॉल ट्रेस किया तो पता चला कि वो जौनपुर के एक व्यापारी के साथ बात कर रहा था। सेठ जी आपसे बात करने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ बता रहे हैं। सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, वो दोनों मेरे पास 15 लाख उधार मांगने आए थे सर। उसके अलावा उनका और कोई कनेक्शन नहीं था। दुकान वाले का फोन टैप करो और उस पर नजर रखो। ओके सर। पुलिस इंक्वायरी करने आई थी, मुझे डर लग रहा है। बात कीजिए। हेलो हेलो। क्या तुम अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? करती। अगर इतना ही प्यार है तो पुलिस को अपने साथ क्यों ले आई? नहीं नहीं मैंने उनको नहीं बोला। प्लीज प्लीज उसको कुछ मत करना। प्लीज तुम जो कहोगे मैं करूंगी। प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। प्लीज प्लीज अपने घर के स्विमिंग पूल में जाकर देखो। चलो चलो ठीक है सर। मैडम अपने आप को संभालिए। बालाजी बालाजी आ रहा हूँ सर। मैडम 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 चलिए बोलो। से
इन्हें संभाल के अंदर ले जाओ, संभाल के ले जाओ। सर कॉफी? नहीं ठीक है। कॉल मत उठाइए, एक सेकंड। सर कॉल आया, गिव इट मी। हेलो 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 मामा मामा आयशु मामा आयशु मामा। सुना तुमने? अब यकीन हुआ ना मुझ पर? यकीन हो गया सर, यकीन हो गया। 25 लाख एक बैग में लेकर पंतनगर की कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाओ। इस बार चालाकी करने की कोशिश की तो कुत्ते से भी बदतर हालत कर दूंगा तेरी बेटी की। नहीं सर, कोई भी गलती नहीं होगी सर। सर तुझे कुछ मत करना सर, आप जैसा कहेंगे सर। आशु आशु सर। ट्रेस कर पाए? नहीं सर, नहीं हो पाया। आशु मैडम प्लीज थोड़ा धीरज रखिए, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। हम भी आपकी बेटी की सुरक्षा ही चाहते हैं। हम आपके साथ नहीं आएंगे, आप अकेले ही जाना। सिर्फ हम जो पैसे देंगे वो लेके जाना। मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी कैसे अरेंज करेंगे आप? हमारे पास कैश रेडी है। एलेक्स पैसे लेकर आओ। मैम आपका हैंडबैग। क्या एलेक्स जरा ऑटो लाओ मुझे दो। हेलो माँ, पैसे कार में ही छोड़ दो और ऑटो लेकर जी के बिल्डिंग चली जाओ। हाँ। तुम्हारी बेटी वहीं मिलेगी। हाँ। ऑटो जी के बिल्डिंग तक जाना है। हाँ बेटा, मैं 20 मिनट में घर पहुंच ही रहा हूँ।
क्या मतलब? निशा, आओ आओ बेटा, रो मत, मेरी पोती, उसे किसी ने, सर आइए सर बैठिए मैडम, बताइए सर। मेरी पोती स्कूल से अभी तक वापस नहीं आई है, इसलिए कंप्लेंट लिखाने आए हैं। अहमद भाई, हाँ सर, फाइल लेके आना। आया साहब, लीजिए सर। बताइए सर क्या नाम है? निशा। उम्र कितनी है? 8 है ना, 8 साल। अहमद भाई, हाँ साहब, कंट्रोल रूम को फौरन खबर कर दो जल्दी। जी साहब। किशन भाई, मेरी बेटी को बैठने देंगे? बैठिए मैडम, रो मत। हेलो सर, एलेक्स बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलो सर। मेरी पोती लापता है सर, उसे किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैपर ने जीके बिल्डिंग के पास 50 लाख रुपए मंगवाए। मेरी बेटी का बुरा हाल है सर। निशा हमारी सब कुछ है, मैं पागल हो जाऊंगा सर। डोंट वरी एलेक्स, हम तुम्हारी पोती को कुछ नहीं होने देंगे। मैं कमिश्नर से मिलके सीधे तुम्हारे घर आता हूँ, हिम्मत रखो। सर प्लीज आप कुछ कीजिए सर, हिम्मत रखो एलेक्स। गाड़ी से बाहर उतरो और मेरी बात ध्यान से सुनना। गाड़ी में जो बैग रखा है उसे लेकर 5th फ्लोर पर जाओ। मैं जैसा बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। ज्यादा सोचो मत, आगे बढ़ो। इस बार हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा सर। तरफ मत देखो, आगे बढ़ो। हम ठीक तुम्हारे पीछे, बैग को वहां रखो और तुम आगे निकल जाओ। जल्दी बैग वहां पर छोड़ो और जाओ। नीचे जाओ। यस सर। We'll be right back.
अपनी खुद की पोती को क्यों अगवा किया तुमने? सर, मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा सर? पैसों के लिए अपनी पोती क्या? लोग खुद अपनी बेटी किडनैप कर लेते हैं, तुम्हें तो ये पता ही होगा एलेक्स। सर, मैंने किडनैप नहीं किया सर। एलेक्स, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट। तुमने कुछ नहीं किया तो बैरिकेड पर तुम्हारा फिंगरप्रिंट कैसे आया? हाँ सर, 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 एसीपी साहब है क्या? नहीं है, क्यों, क्या हुआ? सर, मेरी बेटी का केस। मैडम, हमने कहा था ना कोई खबर मिलेगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, बारिश में आने की क्या जरूरत थी? घर जाइए, कहा ना जाइए। बावा, ब्रेकअप पार्टी ऐसी छोटी है क्या? तू गोवा में नया है ना, इसलिए तुम्हें यहाँ का पता नहीं है भाई। इतना खर्चा करके सब लोग ऐश कर रहे हैं पर वो दोनों तो फिर भी दुखी होंगे ना? दुखी और वो, देखो उसे। इसे बोता रहता है। मैं सबके बारे में ज्यादा सोचता नहीं। ये क्या यार, वो तो इतना खुश लग रहा है, उसके एक्स को तो बुरा लगा होगा। अच्छा, वो वहां देख, बहुत बुरा फील कर रही है। ये सब क्या है यार? चलना मेरे यार। कैसा है यार? कैसा है रे? एकदम झकास। तू कैसा है? हाय रिया। हाय। हाय, ये मेरा दोस्त है भरत। हाय गाइस। कैसा है भरत? इसको क्या हुआ यार, इसके चेहरे पे 12 क्यों बजे? तुम लोगों का ब्रेकअप हुआ है ना, इसलिए सोच रहा है कैसे विश करे। सिंपल ब्रदर, ये विश कर कि मुझे इससे भी अच्छी लड़की मिल जाए। हाँ। फिर मैं इससे भी बड़ी पार्टी दूंगा। आपको तो जरूर मिलेगी। हाँ, पता है मुझे। थैंक यू। थैंक यू। इतनी जल्दी मिल गई। हाय, क्या दिख रही है यार? हाय बेबी। हाय रिया। हाय, थैंक यू। ये तो बहुत भाव खा रही है भाई। भाई क्या है, तुम लोग अभी तक गए नहीं क्या? ए, देख तो उसे। ओ, आई सी। बाकी सब अपने घर चले गए। सुन, दारू खत्म हो जाएगी, तू जा जाके पीना। ये लड़की कौन है रिया, बहुत गंदी दिखती है। मेरी बचपन की दोस्त रेजीना है। चाइल्डहुड फ्रेंड? और तुम मुझे इससे अब मिला रही हो? रेजीना अभी हाल ही में गोवा आई है। गोवा आ गई है ना, आगे मैं देख लूंगा। मुझे तो लग रहा था लेट हो जाएगा। लो, आगे हमारा हीरो। हे hey, बड़ी, कैसा है मेरे भाई? हाय। हाय मालिक। एकदम सही टाइम पे आया है। ओए, हम सही समय पे नहीं आए? सही समय तो अब शुरू होगा क्योंकि हम आ गए। हाँ, एकदम सही बोल रहा है। फिर भी यार, तेरे अंदर ऐसी कोई बात है जिसे देखकर हर कोई तेरी तरफ खींचा चला आता है। ए, मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ा, मेरी बात छोड़, चल पार्टी करते हैं। हाय एवरीवन, एज यू ऑल नो, मीरा और कौशिक का ब्रेकअप हो गया है, तो अब मुझे कोई भी प्रपोज कर सकता है, तो क्या ख्याल है? लड़के तो दूसरों की बीवियों तक को नहीं छोड़ते, इसका जीना मुश्किल होने वाला है। ए रिया, आई लव यू बेब्स। आई लव यू टू। अगर हमारा भी कभी ब्रेकअप हुआ ना, तो तुम भी इसकी तरह इतनी जल्दी मूव ऑन करके किसी लड़की के पीछे चले जाओगे? अगर चले भी गए ना, तो इतना ध्यान रखना कि तुम्हें कोई लड़की घास नहीं डालने वाली। महा, जानती भी हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? हाथ में सूरज लेकर भी ढूंढोगी तो ऐसा इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, अबे बनी बनाई बात को तो कहीं खराब मत कर देना। ग्रेट, लगे रहो। भाई देखा, बिगड़ गया ना मामला। उसे तेरी कदर नहीं है, तू इतना अच्छा है कि तुझे यहाँ कोई भी मिल जाएगी। कोई भी मिल जाएगी? हाँ, कोई भी क्यों, जब मैं हूँ यहाँ। रिया, ये तुम क्या कर रही हो? वो मेरा दोस्त है। मलिक, मेरा तो ब्रेकअप भी हो चुका है।
तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका होगा, पर मैं अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकता, समझी तुम? अब तुम्हारी वजह से कहीं मेरा ब्रेकअप ना हो जाए तो हटो, मैं जा रहा हूं। शर्म नहीं है क्या? जान सुनो ना, इतनी छोटी सी बात पे नाराज हो गई? वो किस कर रही थी, तुमने कुछ नहीं कहा? अरे किस करते वक्त कोई कैसे भूल सकता है, तुम्हें तो पता होना चाहिए हमने कितनी बार किस किया है। तुमने तो कभी बात नहीं की, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ इसलिए अब तक चुप रही। मेरी जगह कोई और होता ना तो मारती क्या? सिर पे मारती जूती से। मैंने भी उससे यही कहा। अरे जान इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे पता है मैं हमेशा सच बोलता हूँ और फंस जाता हूँ, कम से कम तुम तो समझो, क्योंकि दूसरे तो सच बोलने वालों का मुंह ही बंद करते रहते हैं। दूसरों को समझाने की बात मत करो, पहले तुम्हें मुझे समझना होगा। समझता हूँ ना यार। अगर तुम्हें लगता है कि वो लड़की तुम्हें ज्यादा जानती है तो जाओ उसके पीछे, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कहाँ जाऊंगा बताओ, सब तो मुझे ही छोड़कर जा रहे हैं। अब कोई मुझे छोड़कर जाएगा तो मैं रोने वालों में से तो नहीं हूँ, और हाँ ना कभी मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन दुख जरूर होता है क्योंकि दुनिया ऐसी है, क्या करें। लेकिन सब खुश रहे, आबाद रहे, यही ख्वाहिश है मेरी। क्या मतलब? मैं यहाँ से चली जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक है, गेट लॉस्ट। अरे इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था, ए, पलट। क्या? मैं गुस्सा होकर जा रही हूँ और तुमने कोशिश भी नहीं की मुझे मनाने की। अरे अभी तक कोशिश ही तो कर रहा था हीरो बनने की। और कोशिश करनी पड़ेगी, जिंदगी भर कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मैं अभी चली जाती तो अच्छा ही होता। मजाक कर रहा था डार्लिंग। सर मैं आपको सब सच बताता हूँ, जिस रात मेरी पोती का अपहरण हुआ मैं अपनी कार में था, मुझे एक कॉल आया, मैंने उससे बात की, उसने कहा तुम्हारी पोती मेरे पास है, अगर वो जिंदा चाहिए तो मैं जो कह रहा हूं वो करो, ये कहकर उसने फोन काट दिया सर। एलेक्स बस उसके बाद मैं सिर्फ उसके इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो कर रहा हूं। उसने शामगढ़ में एक कूड़ेदान के पास जाने को कहा, वहां मुझे एक बैग मिला, उसके अंदर एक मास्क और कोट था, वो पहनकर एक बिल्डिंग में जाने को कहा। उसके बाद क्या हुआ आप जानते ही हैं, आपने जब मुझे पकड़ा तब मुझे पता चला कि वो पैसे मेरी बेटी ही लाई थी। और पैसे मिलने के बाद? पास वाले कूड़ेदान में डालने के लिए कहा उसने, और कहा मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी पोती जिंदा वापस आएगी, नहीं तो तुम उसकी लाश भी नहीं देख पाओगे। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला? सर वो मेरा फोन नहीं था, वो तो कार में था, बात होते ही उसने फोन फेंकने के लिए कहा और मैंने फेंक दिया। तुम मरो, एक पुलिस ऑफिसर होके किडनैपर के ऑर्डर्स मान रहे थे? मैं और क्या कर सकता था, मेरी पोती मेरी जान है सर, वो मुझे जिंदा चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए वो। आयशु, 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 Oh!
विक्रम, इसे भी वैसे ही मारा है। इस बार भी हमें ब्लड मार्क्स, फिंगरप्रिंट, सीमेंट ट्रेसेस कुछ नहीं मिला, पर पुराने और नए केस में एक छोटा सा फर्क है। इस बार क्रिमिनल ने बेहोश करने के लिए अलग किस्म की ड्रग का इस्तेमाल किया है। किस ड्रग का इस्तेमाल किया उसने? ये एक कॉकटेल ड्रग है, कई ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, एनालाइज करना पड़ेगा। विक्रम, दो दिन में आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट दे दूंगा। थैंक यू डॉक्टर, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। हमने आपके पिताजी को रंगे हाथों पकड़ लिया था, पर उन्होंने जुर्म कबूल नहीं किया। क्या आपको किसी और पर शक है? नहीं सर, मेरे पिताजी मेरी बच्ची को अगवा नहीं कर सकते। वैसे घर पर नाना और पोती के बीच किस तरह का रिश्ता था? दोनों के बीच बहुत प्यारा रिश्ता था, मेरे पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं। आपके पति कहाँ हैं? वो सिंगापुर में बैंक में काम करते हैं, और मैं अपनी बेटी के साथ सास ससुर के साथ ही रहती हूँ, तो अपने घर कम ही आना होता है। अच्छा ठीक है, अगर आपको किसी पर शक हो या आपको किसी का कॉल आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, अभी आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। करण, इन्हें घर छोड़कर आओ। ओके सर। लगातार शहर में हो रहे बच्चों के शोषण और मर्डर की वजह से जनता डर में है, और खूनी के ना पकड़े जाने की वजह से लोगों का पुलिस डिपार्टमेंट पर से विश्वास उठता जा रहा है। अरे मालिक, तुम्हारी बीवी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए डिनर बनाया, और तुम कहाँ चले? नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हमेशा तो 7:30 बजे जाते हो, आज 8 बजे क्यों जा रहे हो? क्या बात है, वहीं जा रहे हो या फिर कोई लड़की मिल गई है तुम्हें? आज बयान है, इसीलिए नमाज 7:30 बजे नहीं 8 बजे शुरू होगी। बयान? वो क्या होती है? हम 5 साल से साथ हैं, जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है, तुम कन्वर्ट भी हो रही हो और फिर भी बयान का मतलब पूछ रही हो। देखो बात बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना, बयान हर मस्जिद में नहीं पढ़ा जाता, किसी किसी मस्जिद में ही होता है, कभी थर्सडे को तो कभी संडे को होता है, और बयान के बारे में ना पहले से ही खबर दी जाती है। बाकी सब ठीक है, बस एक छोटा सा डाउट है। मैं मुस्लिम में कन्वर्ट क्यों? तुम क्रिश्चियनिटी अपना लो ना। टेंशन मत लो, मजाक करा था, तुम रहोगी, मैं रहूंगा, ठीक है ना? और हमारा जो बच्चा होगा वो क्या होगा बताओ, मुस्लिम या क्रिश्चियन? दोनों में से कुछ नहीं, वो एक अच्छा इंसान होगा। ठीक है, सी यू, लव यू। लव यू टू। सर, इस मामले में हमें अब तक 2 सबूत मिले। पहला, किलर ने जिस ड्रग का इस्तेमाल किया है वो एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ड्रग है, और ये ड्रग ज्यादातर गोवा में बिकता है, इसे लोकल मार्केट में कौन सप्लाई करता है हम इस बात की जांच कर रहे हैं। और दूसरा, किलर के बाइट मार्क्स, आज से 12 साल पहले शामगढ़ में इसी तरह एक नाबालिग बच्ची का रेप और मर्डर हुआ था, रिपोर्ट्स के अनुसार उस बच्ची के बदन पर भी बाइट मार्क्स पाए गए थे, हमने उन दोनों ही केसेस के डिटेल्स मंगवा लिए हैं। बस इतना ही नहीं सर, हमने इंडिया के सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल से डेंटल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं, हमें जो बाइट मार्क्स मिले हैं सर उनको हम डेंटल रिकॉर्ड से मैच करने की बड़ी बारीकी से कोशिश कर रहे हैं। एनीथिंग एल्स मैम? नो। ओके मैम। सर सर सर, मैं यहाँ हूँ। सर आप कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नहीं कुछ नहीं शुक्रिया। देखिए मैडम, मैं ड्यूटी छोड़ के आया हूँ, आपने इतना अर्जेंटली मिलने क्यों बुलाया? सर आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं प्लीज? देखिए मुझसे जो होगा मैं वो जरूर करूंगा, पहले बात तो बताइए मुझे। मुझे मेरी बेटी के केस के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और सबूत चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो सब चाहती हूँ, आप लाके दे सकते हैं? ये कर पाएंगे? पर उस डिटेल्स के साथ आप क्या करने वाली हैं? अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, वरना कोई बात नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। देखिए मैं दे तो सकता हूँ, लेकिन ये काम थोड़ा जोखिम भरा है।
मेरे लिए ये रिस्क उठाने के लिए ये छोटी सी मदद। अरे इसकी क्या जरूरत थी, अब बोलिए क्या करना है। अंदर रखिए। मुझे बार बार क्यों कॉल कर रही है? सर, एक और मदद चाहिए। पहले से यहाँ बहुत टेंशन चल रही है और आप है कि? हाँ हाँ, आज थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ आ जाऊंगा। मैडम देखिए, स्टेशन में लोग एविडेंस ढूंढने लगे हैं, अगर उन्हें पता चला तो मेरी नौकरी जाएगी। सर प्लीज, सर प्लीज, सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं मेरी। आपने जो एविडेंस मुझे दिया वो मैंने चेक किया सर, लेकिन वो फुटेज मेरी बेटी के किडनैपिंग वाले दिन का नहीं है, वो किसी और दिन का है सर। इस केस में कुछ और भी है। देखिए मैडम, ये केस एलेक्स डिसोजा हैंडल कर रहे हैं, अब आप उनको ही कॉल कीजिए। हाँ। मुझे दोबारा कॉल मत कीजिए। सर सर, आप मुझे उनका नंबर दे सकते हैं प्लीज? ओके, नोट कर लीजिए। 7000 7000 सर, व्हाट्स हैपनिंग विक्रम, ये क्या हो रहा है? सर, केस का इन्वेस्टिगेशन जारी है। नॉनसेंस, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, पब्लिक का विश्वास उठ गया है, एक खूनी पूरे पुलिस वाले को उंगली पे नचा रहा है। सर मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं यकीन। विक्रम, टाइम टाइम बोल के कितना टाइम लोगे? क्या अभी तक उसके बारे में एक भी चीज की मालूमात की तुमने? अगर तुम लोगों से काम नहीं होता तो मैं किसी दूसरे टीम को बुलाता हूँ। विक्रम, मैं होम मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर तुम सबके टेबल पर एक मेमो होगा। साहब मुझे कुछ नहीं पता, बार बार पकड़ कर क्यों लाते हो, मुझे कुछ नहीं पता। सर मैंने किसी को नहीं देखा। क्या प्रोग्रेस है करण? सर पहले किडनैपिंग और एलेक्स की पोती के किडनैपिंग के कॉल्स के बाद वो नंबर अब बंद बता रहा है। किडनैपिंग के 2 दिन पहले उस नंबर पर सर्विस प्रोवाइडर से वेलकम टेक्स्ट आया था। कौन से टावर से? पंत नगर से। मणि, यस सर। दोनों कॉल रिकॉर्डिंग्स प्ले करो। ओके सर। सेकंड कॉल प्ले करो। ओके सर। मणि, यस सर। ये दोनों आवाजें अलग अलग लग रही हैं। यस सर, शायद वॉइस चेंजिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया होगा। करण, साइबर क्राइम के टेक्नीशियन को बोलो इन दोनों वॉइसेस को अच्छे से वेरीफाई करें। ओके सर। ओके सर।
बताइए सर। इसे देखिए सर, दोनों आवाजें अलग हैं और दोनों की वेवलेंथ भी अलग है सर। एक आवाज डेफिनेटली लड़की की है सर। पहली आवाज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने किसी वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर को यूज किया, लेकिन ये मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये दो अलग लोगों की आवाज है। मतलब दो किडनैपर? जी सर। ओके, गुड जॉब। थैंक यू सर। सर वो आ गई है। कौन? एलेक्स के पड़ोस में रहने वाली। अंदर ले आओ। आइए। नमस्ते सर। आइए बैठिए, बोलिए। सर कल शाम को घर जाने के लिए मैंने टैक्सी बुक की थी। जब हम टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे तब निशा बारिश में किसी के साथ बात कर रही थी। मैंने उसको आवाज दी लेकिन मुझे लगता है सर उसने सुना ही नहीं। लड़का या लड़की? काफी अंधेरा था सर इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाई। और कुछ नोटिस किया वहां आपने? सर याद आया उसने उस दिन काले रंग का रेनकोट पहना था। हमने डेटाबेस की सारी वॉइसेस को चेक कर लिया सर, लेकिन किडनैपर की आवाज किसी से भी मैच नहीं हो रही है। बोलो तुम्हें कुछ पता है? 3 फरवरी की रात तुम कहां थी? इसमें बोलिए कुछ माइग्रेंट लेबरर्स के वॉइस सैंपल्स हैं। अच्छा सर, इन्हें चेक कीजिए, शायद मैच हो जाए। करता हूं सर। सर वॉइस मैच हो गई सर। सुनो मेरी बात, मुझे पता है पुलिस तुम्हारे साथ पीछे पीछे चल रही है। बिना वजह अपनी बच्ची की जान जोखिम में मत डालो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। शामगढ़ के बगल वाले शमशान घाट के पास मेरा इंतजार करो। बिना वजह अपनी बच्ची की जान जोखिम में मत डालो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। शामगढ़ के बगल वाले शमशान घाट के पास मेरा इंतजार करो। शामगढ़ के बगल वाले शमशान घाट के पास मेरा इंतजार करो। सुनो मेरी बात, मुझे पता है पुलिस तुम्हारे साथ पीछे पीछे चल रही है। बिना वजह अपनी बच्ची की जान जोखिम में मत डालो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमेशा तो 7:30 बजे जाते हो, आज 8 बजे क्यों जा रहे हो? आज बयान। बयान? वो क्या होती है? बयान हर मस्जिद में नहीं पढ़ा जाता, किसी किसी मस्जिद में ही होता है। कभी थर्सडे को तो कभी संडे को होता है, और बयान के बारे में ना पहले से ही खबर दी जाती है। शामगढ़ के बगल वाले शमशान घाट के पास मेरा इंतजार करो। गुड मॉर्निंग सर। बैठो, उस सीसीटीवी फुटेज को प्ले करो। ओके सर। ज़ूम करो। तूने महक की बेटी को क्यों किडनैप किया? बता। मेरी बात सुनिए। बता, महक की बेटी को क्यों किडनैप किया? सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? सर, मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे करियर पर कोई दाग नहीं है सर, आप ये बात जानते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ तू पैसे का लालची नहीं है, लेकिन तू जरूर कुछ छुपा रहा है। कुछ नहीं छुपा रहा था, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं छुपा। एलेक्स, महक की बेटी की किडनैपिंग के बाद तू कुछ अलग बिहेव कर रहा था, ये मैंने नोट किया। तू जानता है गुनाहगार कौन है? नहीं सर, तू कुछ छुपा रहा है। मैं कुछ नहीं जानता सर, और डालूंगा तुझे। एलेक्स भी नहीं जानता। एलेक्स सच बताएगा तभी तुम्हारी पोती को बचा पाएंगे हम। ऑमलेट रेडी है, थैंक यू। अरे रे, तुम्हारी फ्लाइट का डिपार्चर टाइम क्या है? मैं तो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रही थी। क्या खाना पड़ेगा? अरे खा के तो जाओ।
अरे ब्रेकफास्ट छोड़ो, तुम बस मेरे पास आ जाओ। अरे रुको, रात में बहुत मस्ती हो गई होगी, अब तुम्हें फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, आओ चलो। मजा भी नहीं करने देती। तुम्हारा डिपार्चर टाइम क्या है? अराउंड 9 o'clock। और अराइवल टाइम? शुड बी 2। वहां पहुंचकर टाइम पर लंच करना नहीं भूलना, ओके? कोशिश करूंगा, नई जगह है, पता नहीं खाना कैसा होगा उनका। तो तो तुम्हारे लिए लंच रेडी करवा दूं? गुड आईडिया, ओके चलो। आप कोई बात नहीं, वहां पहुंचकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर पेट भर लेना, ओके? हाँ हाँ, भूख तो मिट जाएगी, मगर इस दिल का क्या? क्या कहा? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं लेट हो रहा हूं, मैं चलता हूं। मलिक साहब, पहुंच गए क्या? क्या हुआ जान, लंच रेडी है तो मैं आ जाता हूँ। रेडी तो है, पर तुम बताओ, ऐसा करती हूँ लंच लेकर मैं ही आ जाती हूँ। क्या बात है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। सर, यहाँ इस मस्जिद में बयान होता है? होता है ना मैडम। यहाँ पास में कोई रेलवे स्टेशन है? हाँ ना मैडम, यहाँ से लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ओके। मैं सब सच बताता हूँ सर। सर, जिस दिन माह की बेटी को अगवा किया गया, उस दिन आप गुनहगार की तलाश में चले गए और मैं अपने घर जाने के रास्ते में एक बहुत ही सुनसान जगह पर मैंने अपने बेटे की कार को देखा। कार की डिक्की से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। जब मैंने डिक्की खोली तो देखा कि वो माह की बेटी थी। सर, वो खून से सनी थी, दर्द से तड़प रही थी, बुरी हालत थी उसकी। मैं समझ गया कि मेरे बेटे ने ही माह को पैसे के लिए कॉल किया था। उस वक्त मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं उस बच्ची को बचाना चाहता था। बस जब मैं उसे अपनी कार में शिफ्ट करने वाला था कि आपने मुझे देख लिया। एलेक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, ये मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है सर। चलो अंदर बैठो। नहीं, टो ट्रक को बुला लिया सर, बस ठीक होते ही मैं आ जाऊंगा सर। बस उसके बाद आप तुरंत ही वहां से किडनैपर की तलाश में निकल गए सर, पर मैंने ठान लिया था कि मैं किसी भी तरह बच्ची को बचा कर रहूंगा। मेरी बात ध्यान, इसलिए मैंने महा को कॉल किया और उसे पैसे गाड़ी में छोड़कर तुरंत जीके बिल्डिंग में जाने को कहा। महा के वहां पहुंचने से पहले ही मैं जल्दी जल्दी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर पहुंचा और बच्ची को सुरक्षित एक कोने में लेटा दिया। उसके बाद मैं नीचे आकर छुप गया। मैं अपने बेटे के एक एक गुनाह को छुपाना चाहता था सर। उसने बचपन में ही अपनी मां खो दी, मैंने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है सर।
वो एक ड्रग एडिक्ट बन गया है। सर मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उसे सुधार लूंगा, इसलिए मैंने उसके लिए घर के पीछे एक कंप्यूटर सेंटर खोल दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ सर। ये सब क्या है? एलेक्स, अब तुम्हारा बेटा कहाँ है? सर एक मिनट, इस वाली मस्जिद में बयान होता है क्या? हाँ होता है मैडम। ओके, थैंक्स। यस मैम। मुझे किसी ने बताया कि मस्जिद है यहाँ आसपास। क्या मस्जिद? सॉरी मैम, मैं नहीं जानता। ओके, थैंक यू। रेलवे स्टेशन पास में है क्या? हाँ हाँ मैडम, यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट टर्न लीजिए, वहीं पर ही रेलवे स्टेशन है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। शमशान घाट के पास मेरा इंतजार करो। हाँ हाँ मैडम, यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट टर्न लीजिए, वहीं पर ही रेलवे स्टेशन है। Thank you.
समझ में नहीं आ रहा गिफ्ट खोला कि नहीं खोला, कॉल क्यों नहीं किया। और अब ब्रेकिंग न्यूज, इंडियन एयरलाइंस का विमान LX1322 जिसने आज सुबह 156 यात्रियों के साथ गोवा से दुबई के लिए उड़ान भरी थी, वो आज लगभग 5 बजे अरब सागर के ऊपर क्रैश हो गया है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। एक पायलट को बचाया जा चुका है और दूसरे पायलट की तलाश जारी है। फ्लाइट के सीनियर पायलट थे आफताब मलिक। हमारे पास अब तक की यही लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इससे जुड़ी आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। Oh!
मेरी बेटी की मौत के बाद उसके केस को साइडलाइन कर दिया गया। केस के बारे में जानने के लिए मैं कई बार पुलिस स्टेशन गई, पर मुझे जवाब देने के बजाय उन्होंने बुरी तरह टाल दिया। सर, सर, मेरी बेटी का केस सर। मैंने आपको जाने के लिए कहा था ना, फिर भी आप यहीं पर हैं। करण, ये सब क्या है? सर, मैंने इन्हें कितनी बार जाने के लिए कहा, पर ये सुनती नहीं है। आप घर जाइए प्लीज। सर, मेरी बेटी। मैंने कहा ना घर जाइए, जरा समझाओ इनको। मैडम सुन लिया ना, प्लीज जाइए यहाँ से। उसके बाद मैंने करण को रिश्वत देकर केस के डिटेल्स हासिल किए। उसके बाद मुझे पता चला कि सीसीटीवी फुटेज का मेरी बेटी के केस से कोई भी संबंध नहीं है। तब मुझे शक होने लगा। जब मैंने इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी का केस एलेक्स हैंडल कर रहा था। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। फिर जब उसकी पोती का किडनैप हुआ तब मेरा शक और भी गहरा होने लगा। मुझे लगने लगा कि एलेक्स ही ये सब कर रहा है पैसे कमाने के लिए। तभी मैंने एक फ़ोन खरीदा, वॉइस चेंजर सॉफ्टवेयर यूज़ करके एलेक्स और उसकी बेटी को फ़ोन किया और उन्हें 50 लाख देकर उस बिल्डिंग पर आने के लिए कहा। मैं जानती थी पुलिस वहां जरूर पहुंचेगी, और जैसा मेरा प्लान था एलेक्स रंगे हाथों पकड़ा गया। लेकिन असली किडनैपर को हम तब भी नहीं जानते थे। मैं जानती थी हमसे कहीं कुछ छूट रहा है। फिर मैंने आयशु के किडनैपर का कॉल ध्यान से बार बार सुना, और उसमें मुझे अजान और ट्रेन दोनों की आवाज़ दूर से सुनाई दी। और फिर अचानक मुझे मलिक की बात याद आई। उसके बाद मैंने उस मस्जिद की तलाश शुरू कर दी जो रेलवे स्टेशन के पास हो और जहां 8 बजे अजान होती हो। और उसी दौरान अचानक मुझे मेरे फ़ोन पर मेरी बेटी के फ़ोन से मैसेज आया। जब मैंने लीड्स फॉलो की तो मुझे पता चला कि एलेक्स के बेटे ने अपनी ही भांजी को किडनैप कर लिया था। उस शैतान से मैं अपनी बेटी को तो नहीं बचा पाई, लेकिन सही वक्त पर पहुंचकर उसे मारकर मैंने एलेक्स की पोती को ज़रूर बचाया। सर, वॉइस मैच हो गया सर। नहीं, ये मेरी वॉइस है। सर आप नहीं, सर आप जिस औरत से बात कर रहे हैं उसकी आवाज मैच हुई है, चेक कीजिए। ये तो महा की वॉइस है, वो ये सब क्यों कर रही है? बच्ची के मर्डर और रेप केस में कल गुनेगार मैथ्यू को एसीपी और उनके टीम ने पकड़ लिया। मैथ्यू कल रात क्या बात है, हमारी पुलिस टीम की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। खूनी को एनकाउंटर में मार दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो पता नहीं और कितने बच्चों को मार डालता। सही बोला भाई, इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है।